डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 7 अगस्त 2023 के लिए। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलबेलिया डांस इज प्रिवेलेंट एज फोक डांस इन विच स्टेट इन इंडिया। जो कलबेलिया डांस है वो भारत के किस राज्य में फोक डांस की तरह चलता है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ये द हिंदू में एक पिक्चर लगी हुई थी फ्रंट पेज पे ही, वहीं से मैंने ये ली है। सो जो राजस्थान के आर्टिस्ट हैं वो कलबेलिया डांस इस पिक्चर में परफॉर्म करते आपको दिख रहे हैं ड्यूरिंग द नेशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल रिसेंटली जो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। इवेंट ये हुआ था, फेस्टिवल हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये जो आर्टिस्ट हैं ये राजस्थान के हैं जो कलबेलिया डांस परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो कलबेलिया है एक फोक डांस है जो कि कलबेलिया कम्युनिटी परफॉर्म करती है राजस्थान में। इसको और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि स्पेरा डांस हो गया, स्नेक चामर डांस हो गया। जो कलबेलिया डांस है इसको यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी इंक्लूड किया गया था 2010 में। कलबेलिया डांस क्या है? एक सेलिब्रेशन की तरह एक परफॉर्म किया जाता है। कलबेलिया कम्युनिटी जो है उनका काफी इंटीग्रल पार्ट है। उनके जो डांस है, गाने हैं वो वही उनकी मैटर ऑफ प्राइड है और उनकी आइडेंटिटी का मार्क है। इसके थ्रू वो क्रिएटिव अडेप्टेशन रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कम्युनिटी की, जो स्नेक चामर्स की ये कम्युनिटी है, टू द चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड उनका क्या रोल है जो राजस्थानी सोसाइटी है, जो गाँव की राजस्थान के गाँवों की सोसाइटी है वहां पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान। फोक डांस हो गई, ये आपके कल्चर के जो आर्ट एंड कल्चर है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, जिन एग्जाम्स में आर्ट एंड कल्चर एक्सक्लूसिव टॉपिक नहीं है वहां उनके लिए ये जो है करंट अफेयर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोवोरोसिक पोर्ट रिसेंटली इन न्यूज इज अ कमर्शियल पोर्ट ओन्ड बाय विच कंट्री। जो नोवोरोसिक पोर्ट है वो एक जो कि कमर्शियल पोर्ट है किस देश के द्वारा ओन किया जाता है, ये किस देश के द्वारा ओन किया जा रहा है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है इजिप्ट एंड ऑप्शन डी है ईरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं रशियन वॉरशिप डैमेज्ड एज यूक्रेन टारगेट्स ब्लैक सी पोर्ट विद ड्रोन्स। सो जो नोवोरोसिस्क पोर्ट है ये एक रशिया का पोर्ट है जिसको यूक्रेन ने, जिसके ऊपर ड्रोन्स के साथ टारगेट किया है। ये एक ब्लैक सी पोर्ट है, एक नेवल बेस भी होस्ट करता है, ये शिप बिल्डिंग यार्ड्स भी हैं इसमें, एक ऑयल टर्मिनल भी है और एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट पोजीशन रखता है। ये क्रीमिया है वहां से 110 किलोमीटर ईस्ट की साइड वहां पर है, जहां पर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि और एक अटैक हुआ है लास्ट नाइट। सो जो ये स्ट्राइक है इसने जो रशिया की काफी मैरीटाइम ट्रैफिक था या किसी और देश का भी उस चेन पे कुछ घंटों के लिए वहां का जो ट्रैफिक था वो रोक दिया था। पहली बार हुआ है कि कमर्शियल रशियन पोर्ट जो टारगेट किया गया है पिछले 1.5 साल से जो रशिया यूक्रेन की सिविल वॉर चल रही है उसमें। ये एक ब्लैक सी पोर्ट है जिसमें अभी मैंने आपको बताया नेवल बेस है, शिप बिल्डिंग यार्ड्स है, ऑयल टर्मिनल है, एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रशिया। हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं ब्लैक सी के बारे में, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्लैक सी जो है कौन कौन से देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको ये कमेंट्स में बताना है। आपको अभी तक अगर आप मुझे हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ब्लैक सी मतलब फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहता है और यही रीजन है कि ये एग्जाम्स में जो एग्जामिनर्स हैं उनका एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। मानस टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन सी है नागालैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं असम के मानस टाइगर रिजर्व में रिसेंटली एक एनवायरमेंट मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है कि असम का जो मानस टाइगर रिजर्व है वहां पर 63% जो है सैंक्शनड स्टाफ से कम है, यानी कि जो सैंक्शनड स्टाफ है वहां का 63% शॉर्टेज है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न असम का मानस नेशनल पार्क था और टाइगर रिजर्व था ये अभी लो टू हाई टाइगर डेंसिटी एरिया में मूव कर रहा है, लेकिन ये अभी काफी एक सैड न्यूज है कि वहां पर जो स्टाफ है काफी कम है, शॉर्ट है। मानस टाइगर रिजर्व एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का और टाइगर रिजर्व है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की और ये ऑलमोस्ट 63% शॉर्ट है स्टाफ का, तो इसी वजह से न्यूज में था। वैसे भी असम के जो टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क है काफी इंपॉर्टेंट है राइनोज के लिए, टाइगर्स के लिए, तो ये न्यूज में रहते हैं। आपको पता होगा यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है एक राइनो के काफ की जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राजमार्ग यात्रा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय। राजमार्ग ऐप नाम की जो राजमार्ग यात्रा ऐप है किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, जिसको इन शॉर्ट आपको अगर बीआरओ भी आ जाए तो वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर एनएचएआई। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं, मैंने आपको लिंक दे दिया है यहाँ पर। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने रिसेंटली राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च की है जो कि सिटीजन सेंट्रिक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में के लिए यूज होगी और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करेगी। इसका जो एम क्या है, जो ट्रैवलर्स हैं जो हाईवे से ट्रैवल करते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कॉम्प्रिहेंसिव अबाउट द इंडियन नेशनल हाईवेज, और ये रियल टाइम वेदर अपडेट्स प्रोवाइड करेगी, टाइमली ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगी। जो भी आसपास जहां पर भी आप ट्रैवल कर रहे होगे नेशनल हाईवे पे, आसपास टोल प्लाजा है उसकी इंफॉर्मेशन, पेट्रोल स्टेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और राजमार्ग यात्रा ऐप फास्टैग सर्विसेज को भी इंटीग्रेट करती है, तो ये काफी वर्सेटाइल है यूजर्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है किसने लॉन्च की है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर एनएचएआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलदोस्त एयरपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय। जलदोस्त एयरपोर्ट रिसेंटली किसने डेवलप की है? ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर एंड ऑप्शन डी है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज या फिर एनएएल। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है आपको। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज एनएएल उन्होंने जलदोस्त एयरपोर्ट अनवील किया है। जलदोस्त क्या है? एक एयरपोर्ट है जो कि पानी पर ऑपरेट करेगी। जलदोस्त मार्क 2 रिसेंटली डिजाइन की गई है जो बेंगलुरु की वहां के जो बीबीएमपी है ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो भी स्पेसिफिकेशंस दी थी उनके अकॉर्डिंग, और ये किस लिए यूज की जाएगी? बेंगलुरु में जो लेक्स हैं, झीलें हैं, उनको क्लीन करने के लिए। इसका डिजाइन स्पेसिफिकली इसीलिए किया गया है जो भी ज्यादा एक्सेस एक्वेटिक वीड है और जो फ्लोटिंग वेस्ट है वाटर बॉडी से उसको क्लीन करना, रिमूव करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुई है CSIR NAL की और जलदोस्त एयरपोर्ट को अनवील किया है, तो यहाँ पर आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरसाइज ओशन शील्ड 2023 विल बी कंडक्टेड बाय। ओशन शील्ड 2023 एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है रशिया एंड ऑप्शन डी है यूक्रेन। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है ओशन शील्ड 2023 नेवल एक्सरसाइज की स्टार्ट बाल्टिक सी में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रशिया की नेवी की रेडीनेस को कि वो कितने तैयार हैं ये चेक करने के लिए, टू डिफेंड द कंट्रीज इंटरेस्ट इन द क्रिटिकल एरिया एंड उनकी कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस जो वहां की जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वेरियस मिलिट्री फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बाल्टिक सी के लिए आप यहाँ पर मैप लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये बाल्टिक सी है, यहाँ पर फिनलैंड है, यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, यहाँ पर एस्तोनिया है, लातविया है, यहाँ पर गल्फ ऑफ रीगा है, लिथुआनिया है, इसके बाद पोलैंड है, जर्मनी है, यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर डेनमार्क है, स्वीडन है। आप जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर नॉर्वे है, तो यहाँ पर नॉर्वेजियन सी है, अटलांटिक ओशन में है, ये स्ट्रेट्स दी हुई है, इंपॉर्टेंट जो बेस है, नॉर्थ सी है। सारा जो मैप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से देखना है। गल्फ्स वगैरह जो है, ये जो है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, आपको पता होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जानी जाती हैं ये कंट्रीज। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो आपको इसका थोड़ी ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए, आपको एटलस से इसको ध्यान से देखना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दैट इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू इनिशिएट ए डेट फॉर नेचर स्वैप इज, डेट फॉर नेचर स्वैप को इनिशिएट करने वाली पहली अफ्रीकन देश कौन सा है? ऑप्शन ए है नमीबिया, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है गेबन एंड ऑप्शन डी है लीबिया। आप इसका भी यहाँ पर सोर्स देख सकते हैं। गेबन पहला अफ्रीकन नेशन बना है जिसने डेट फॉर नेचर स्वैप लॉन्च किया है। डेट फॉर नेचर स्वैप एक्चुअल में क्या है? ये एक वॉलेंटरी ट्रांजेक्शन है। वॉलेंटरी क्या होती है? जो आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, आप इच्छा से करते हो, जिसमें जो भी कोई डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट है, अगर उनपे कोई भी डेट है, कोई लोन है किसी भी अमाउंट का, उसको या तो कम किया जाएगा या ऑल टुगेदर कैंसिल किया जाता है जो भी लोन देता है उसके द्वारा। लेकिन किस एक्सचेंज में, किसके बदले में? कि जो कंट्री जिसके ऊपर लोन था वो फाइनेंशियल कमिटमेंट करे कंजर्वेशन के लिए, कि हम, आप अगर हमारा लोन माफ करोगे या कम करोगे, हम उसके बदले में इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे, कमिट करेंगे। जो स्वैप्स है, स्वैप्स जो वर्ड है, इसमें क्या होता है, ये कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड होती हैं, जहां पर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होती है और जो डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करते हैं फॉरेन डेट्स को रीपे करने के लिए। जो भी अर्निंग्स इसके थ्रू जनरेट होती हैं वो एडमिनिस्टर करती है लोकल कंजर्वेशन या फिर एनवायरमेंटल ट्रस्ट फंड। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे एग्जांपल्स आप अपने एनवायरमेंट के क्वेश्चंस में, एसेज में, वहां पर भी कोट कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, इन शॉर्ट मासी, हैज बीन डेवलप्ड बाय। ये जो मॉनिटरिंग ऐप है फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन किसने डेवलप की है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ऑप्शन डी है एनसीपीसीआर, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने मासी नाम की एप्लीकेशन डेवलप की है जिसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है उनकी रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग होगी और जो उनका इंस्पेक्शन मैकेनिज्म है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। जो मैकेनिज्म है, इंस्पेक्शन है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर भी प्रोवाइड की गई है कि इनकी फंक्शनिंग वगैरह सारी चेक की जाए। और ये सिंक्रोनस मॉनिटरिंग सिस्टम की ये भी एक राशनल है कि इस ऐप को डेवलप करने के पीछे। तो इस जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के सिंक्रोनस बेस पर मॉनिटरिंग की जाएगी। इस ऐप को लिंक किया गया है मॉनिटरिंग पोर्टल के साथ, जहां पर ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होती हैं। मासी एनेबल्ड यूनिफाइड इंस्पेक्शन किसके द्वारा? चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के द्वारा, स्टेट इंस्पेक्शन कमेटीज के द्वारा। इनके द्वारा यूनिफाइड इंस्पेक्शन होंगी। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटीज के द्वारा, मेंबर्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा। जैसे किस बेसिस पर होगी, किस मैनर में होगी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग। और ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, करेगा इंस्पेक्शंस के लिए सभी सीसीआईज का अक्रॉस द कंट्री बाय एनी ऑफ द अबव स्टेटेड अथॉरिटीज। और रेगुलर फॉलोअप भी होंगे जब भी कोई इंस्पेक्शन खत्म होगी, उससे पहले या उसके पहले और बाद में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन डी, दैट इज एनसीपीसीआर द आंसर। ऐसी एग्जाम्पल्स भी आप कोड कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली रिसीव्ड स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फ्रॉम विच कंट्री? रिसेंटली हमारी एयरफोर्स ने NLOS यानी कि जो नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स रिसीव किए हैं किससे, किस देश से? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इसराइल, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी सोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली इसराइल का स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रिसीव किए हैं। ये है क्या? फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक, यानी कि एक बार आपने फायर कर दिया वो वापस नहीं आएगा। एंटी पर्सोनल मिसाइल्स हैं। इसमें क्या होगा, बहुत ही हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड यूज होता है। ये रफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम जो कि एक डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है इसराइल की, उसने डेवलप किया है। स्पाइक मिसाइल्स बेसिकली इसराइल की डिफेंस फोर्सेस और भी 38 देश हैं जो यूज करते हैं, जिसमें इंडिया, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, पेरू, स्पेन, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, यूके, फिलीपीन, सिंगापुर, ये सभी शामिल हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विल बी द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बी सेप्टिक टैंक फ्री? तो भारत में ऐसा कौन सा पहला शहर है जो कि सेप्टिक टैंक फ्री होगा? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है नवी मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई एंड ऑप्शन डी है नोएडा। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। नवी मुंबई पहला शहर बन जाएगा हमारे देश का जो कि सेप्टिक टैंक फ्री होगा और जहां पर सभी हाउस होल्ड में जल्दी ही टॉयलेट्स होंगी। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेजर्स ले रही है इस रिगार्ड में, वो जो हाउस होल्ड टॉयलेट्स बना रही है स्लम एरियाज में और ड्रेनेज पाइप नेटवर्क्स जो है एस्टैब्लिश कर रही है, जिससे जो सेप्टिक टैंक है वो 42 जो है उसका नंबर आ गया है। सेप्टिक टैंक बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पिक्चर भी लगाई है। सेप्टिक टैंक एक अंडरग्राउंड चैम्बर होता है जो कि कंक्रीट, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक का बना होता है, जहां पर जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, घरों से जो वेस्ट वाटर आता है वो बेसिक सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर कलेक्ट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो अंडरग्राउंड है, यहाँ पर आपके ये घरों से डोमेस्टिक आपका जो है वेस्ट वाटर आ रहा है, उसके बाद इसका जो जब ट्रीटमेंट होगा उसके बाद ये आउटपुट वेफल के द्वारा बाहर जाता है और इसको जैसे गार्डनिंग के लिए, क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आपको इस पिक्चर से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नवी मुंबई। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। Don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow at 8 o'clock. Have a nice day.